अस्सलामुअलैकुम। डेवलपमेंट लेंथ क्या है और हम इसको क्यों प्रोवाइड करते हैं? ये मैं एक हमारे पास बीम है, बीम नंबर 40, और ये कॉलम के अंदर कॉलम के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें जो डेवलपमेंट लेंथ है वो यहाँ से लेकर ये हमारा यहाँ से शुरू होकर डेवलपमेंट लेंथ 90 डिग्री की हमारे ये सारी जो लेंथ बनेगी जो किसी भी कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड स्टील का जो पार्ट है उसको हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। चाहे वो कॉलम का स्टील स्लैब के अंदर एम्बेडेड हो या बीम का स्टील कॉलम के अंदर एम्बेडेड हो या किसी भी स्लैब का स्टील, जैसे कि हमारा ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट है इसके अंदर जो भी एम्बेडेड स्टील है उसको हम डेवलपमेंट लेंथ कहेंगे। तो ये जो बीम के डेवलपमेंट लेंथ है कॉलम के अंदर उसको प्रोवाइड इसलिए करते हैं कि जो इसकी अगर हम हमारे पास जो जो स्टील की जो स्ट्रेंथ है, अगर हम यहाँ से किसी रीजन से जो बॉटम स्टील है वो पुल आउट होता है, जहाँ पे टॉप टेंशन जोन आता है, टेंशन में ये जो है यहाँ पे जो टॉप बार्स हैं वो टेंशन जोन में आएंगी, तो टेंशन में जो पुलिंग जब होगी इसकी तो ये डेवलपमेंट लेंथ उतनी होनी चाहिए कि इसको अगर यहाँ से हम स्ट्रेंथ लगा के कॉलम के अंदर एम्बेडेड पार्ट को खींचना चाहें तो यहाँ से बार टूट जाए, इसकी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो निकले नहीं बाहर, इतनी होनी चाहिए ये कंक्रीट के अंदर उसका बाउंड जो है ना वो इतना होना चाहिए। इसके लिए हमें मज़ीद 90 डिग्री हुक देते हैं ताकि वो इसके अंदर जो है ना वो कम्प्लीटली जो डेवलपमेंट लेंथ है एज़ पर कोड वो हमारी कम्प्लीट हो जाए और उसमें जो हम कंक्रीट करेंगे वो उसको मुकम्मल पकड़ पाए।